नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आज मनीष कश्यप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु और बिहार की सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के मामले में जो याचिका थी उन्हें उसे लेकर उन्होंने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु की सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पत्रकार मनीष कश्यप के मामले में ये बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ अब 21 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि मनीष कश्यप के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि मामला एक है और इसे लेकर FIR जो है अलग अलग जगहों पर हो रही है, कहीं बिहार में, तमिलनाडु में, और इस वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और उन्होंने ये कहा था कि सारे FIR को एक ही जगह क्लब कर देने के लिए, और ये मांग रखते हुए, साथ ही साथ बेल की मांग रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को लेकर जो आपको बता दें कि उन्होंने अब नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ यानी मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज FIR को एक साथ करने की मांग की गई थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने मामले की अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी है, यानी अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर जो है 21 अप्रैल को होने वाली है। जो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी इस बेसिस पे की गई थी कि उन्होंने एक फेक वीडियो चलाया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, और इसी को आधार बनाकर उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर FIR की गई थी, यानी बिहार में भी और तमिलनाडु में भी। इसके बाद एक खींचतान चलती रही, मनीष कश्यप कभी बिहार तो कभी तमिलनाडु जाते नजर आए, पुलिस अपने साथ उन्हें ले जा रही थी। और अब इसी मामले का जिक्र जो है उन्हें सुनवाई के दौरान भी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जब सुनवाई हो रही थी इस मामले की तो इनके तरफ से जो एडवोकेट थे, यानी जो है मनीष कश्यप की तरफ से जो एडवोकेट थे, वो यही बातें कहते नजर आए कि उनके खिलाफ जो FIR तमिलनाडु में किया गया है, ये एक ऐसे मामले पर है या फिर एक ऐसी जगह किया गया है जहां का लैंग्वेज भी उन्हें नहीं पता है, ना वहां की चीजें उन्हें समझ आती है, और ऐसे में मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है। बता दें आपको कि मनीष कश्यप की तरफ से गए एडवोकेट सिद्धार्थ दवे जो है उनके तरफ से कहा गया कि तमिलनाडु में इनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है, बिहार में 1 की गई है, और एक बेल जो है उनको डिनाई भी कर दिया, यानी जमानत उनकी डिनाई कर दी गई है। और आज के वक्त में ये 5 जो है प्रोसिक्यूशन जो है 2 अलग अलग राज्यों में झेल रहे हैं, और एक गलती के वजह से इतने सारे मल्टीपल प्रोसीडिंग्स जो है नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अर्णव गोस्वामी के मामले में भी देखने के लिए मिला था। अर्णव गोस्वामी के मामले का एग्जांपल जो है कोर्ट में दिया गया, उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं आपसे प्रे कर रहा हूं कि आप बिहार का जो FIR है उसे ही लीड FIR के तौर पर रहने दीजिए, और इस पूरे मामले में जो बाकी FIR है उन्हें साइड करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगे कहा जो एडवोकेट उनके तरफ से ये कहा गया कि मैं जो है तो मुझे तमिलनाडु लेकर जाया जा रहा है जहाँ की तो मुझे लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ से यानी दूसरे पक्ष से जो एडवोकेट सिब्बल थे, उन्होंने कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा सिंपल मैटर नहीं है, हमें एक रिप्लाई फाइल करने का मौका दीजिए, ये ऑलरेडी NSA के तहत इन्हें डिटेन किया गया है, और ये ऑफेंस जो इनका है, जो गलती है इनकी, ये भी अलग है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कोरेसिव एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। फिर सिब्बल जो है उन्हें टोकतर कहते हैं कि ये ऑलरेडी जो है कस्टडी में है, जिसके बाद कोर्ट अपनी बात को वापस से दोहराती है और सिब्बल को कहती है कि हम कह रहे हैं कि जब तक हम दूसरी बार सुनवाई नहीं कर लेते तब तक किसी भी तरीके की कोई कोरेसिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि आपस में इनका डिस्कशन होता है, सिब्बल जो है दो हफ्ते का समय मांगते हैं और कहते हैं कि हम 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई फाइल करेंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि मनीष कश्यप के तरफ से गए वकील द्वारा कहा जाता है कि हमें भी जो है ये एक यूट्यूब चैनल ये चला रहे हैं और इस बेसिस पर इतने सारे केसेस ये फाइल कर रहे हैं, 2 हफ्ते का वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे हर दिन हैरेस जो है इस मामले को लेकर किया जा रहा है, मुझे चाहिए कि ये जो बेल का जो पूरा प्रोसेसिंग है ये बिहार में ही हो और इसे जो है तमिलनाडु नहीं लेकर जाया जा सके, और साथ ही साथ NSA इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, और ये तो साफ तौर पर भारत की और पूरी तरीके से देखेंगे सॉवर्जिनिटी जो है भारत की नेशन की, इसके लिए एक थ्रेट है अगर इस तरीके से ये बात करते हैं। जिसके बाद जस्टिस संजय करोल बोलते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं भी एक बिहार
से माइग्रेंट हूँ, जिसके बाद जस्टिस कृष्ण मुरारी कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इनका ये काफ़ी कुछ कहता है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस इशू करती है, काउंसिल एक्सेप्ट करते हैं नोटिस को, बिहार के स्टेट ऑफ बिहार के आप कह सकते हैं बिहाफ में वो करते हैं, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया को भी वो कहते हैं सेंट्रल एजेंसी को सर्व करने के लिए, और जो जवाब है उसे एक हफ्ते में जो है फाइल करने के लिए। फिर सिबल कहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा जो है समय चाहिए, क्योंकि 9 अलग FIR भी है इस इंसिडेंट से जुड़े हुए, जिसके बाद आखिरकार जो है अब 21 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो जाती है। और इसी बीच ये जो है नोटिस वो बिहार की सरकार, तमिलनाडु सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार को जारी करती है, जिसके तहत मनीष कश्यप के लिए वो स्पष्ट तौर पर ये कह देती है कि उनके खिलाफ जो दर्ज FIR है उसको एक साथ कर दिया जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इनकी यह पहली जीत बताई जा रही है, जहां पर बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी जो है कर दिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से जो है एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई में शायद जो है राहत मिले मनीष कश्यप को और वो जेल से बाहर जो है नजर आए। ऐसे में मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से जो अगर आप देखेंगे केस को क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें जो है बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और केंद्र को जो है नोटिस जारी कर दिया है। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी राहत जो है उन्हें मिल सके। अब इसी तरीके से अजीत भारती द्वारा भी इस मामले को लेकर जो है ट्वीट किया गया था, वो भी लगातार आपको बता दें कि मनीष कश्यप को समर्थन जो है मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के लिए पहली जीत है और आने वाले समय में मनीष कश्यप को जरूर जो है राहत मिलेगी। जो आपको बता दें, निपुण सहगल ने लिखा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर SC ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया गया। 21 अप्रैल को मामले की अब सुनवाई होगी। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से दुर्व्यवहार की गलत खबर फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप के बिहार और तमिलनाडु में दर्ज FIR आने से मामले में राहत की मांग जो है की गई थी। तो स्पष्ट तौर पर ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मनीष कश्यप के लिए जीत बताई जा रही है, और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष कश्यप के लिए आने वाले समय में राहत की खबर आ सकती है। अब ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस मामले को 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि बिहार के जो पत्रकार हैं मनीष कश्यप उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्ज जो मुकदमे थे उन्हें एक साथ जोड़ने की मांग का मामला था, जिसे लेकर जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल जो है उन्होंने बस इसे लेकर जो है कोर्ट ने तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मनीष कश्यप की ओर से वकील सिद्धांत दवे ने कहा कि एक ही अपराध के लिए 5 केस जो है दर्ज हुआ है, 2 राज्यों में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक FIR दर्ज नहीं किया जा सकता है। वही तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मामले पर हम जवाब दाखिल करेंगे, उसमें कुछ समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट अब 21 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई जो है वो करती नजर आएगी। तो ऐसे में आप देखिए कि मनीष कश्यप को यह बड़ी राहत है, मनीष कश्यप की आप कह सकते हैं यह पहली जीत है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर। तमिलनाडु के प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा हुआ जो मामला था या बिहार को से जुड़ा जो मामला था, इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, और जितने भी केसेस हैं उन सभी को एक जगह क्लब करने की बात कही है। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पे अभी 21 अप्रैल को अगली सुनवाई जो है होगी। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।